भाई उदयपुर की लेक जो क्लीन होती है ना, वो इस तरह से क्लीन की जाती है। अब ये व्यू है यार, मजा आ गया देख के। और वो जो पॉइंट है जहाँ से बाहुबली हिल्स वाला, ये है वो लेक। वेलकम बैक टू द चैनल। हमेशा की तरह लेट और चेकआउट टाइम से एक घंटे ऊपर हो चुके हैं ऑलरेडी भाई, इसलिए सुबह की मॉर्निंग हो चुकी भाई। एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जा रहे हैं बाहुबली हिल्स। उस वीडियो में आप वो सब देखने वाले हो। पहले मैं सामान पहुंचा दूं बाइक पे, फिर आपको मिलता हूं। पैंथर हो गई रेडी, बनो भैया पैंथर हो गई रेडी। ये लोग स्कूटी रेंट कर रहा है और मैं तो ऑब्वियसली अपनी बाइक पे ही हूँ। पानी हटा दूँ भाई वरना गीला हो जाएगा। स्क्रैम्बलर पे जाएंगे नेक्स्ट वीक पे। कहाँ जाएंगे? स्क्रैम्बलर पे। स्क्रैम्बलर पे भाई ने 400 स्क्रैम्बलर लिए। स्क्रैम करेंगे स्क्रैम जल्दी जल्दी। ये रही अपनी पैंथर भाई, फर्स्ट टाइम उदयपुर के घाट के सामने। इतनी ज़बरदस्त लग रही है ना देखने में, मज़ा ही आ गया। डैडी पापा का फ़ोन आ रहा है। हेलो, अभी हम जा रहे हैं भानु भाई के पास। भानु भाई ने अपनी स्कूटी रेंट करनी है, तो रेंट पता नहीं कहाँ से की है उसने। कॉल करेंगे। और भाई बाइक कितनी सही लग रही है शीशे में। ये वाली शॉप तो नहीं थी जहाँ हमने कल बात की थी, लक्ष्मी वाली थी। भानु आया? भानु पता नहीं भाई कहाँ रह गया। यहाँ पे भाई बाहर लगाने के बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ। एंड दिस इज झील कैफ़े। और झील कैफ़े से पिज़्ज़ा खाते हुए भानु वोए। और ये ज़बरदस्त व्यू, क्या व्यू है यार, मज़ा आ गया देख के। हमने कभी ऐसा कुछ देखा भाई? उदयपुर की लेक जो क्लीन होती है ना, वो इस तरह से क्लीन की जाती है। आप ये देख लो, दिस इज़ द वे द लेक हैज़ टू बी क्लीन। भाई ये मशीन क्या है, मैंने तो पहली बार देखी है भाई। ये तो 2 मिनट में आई, सारा इतना कचरा था ना इधर भाई, सब साफ कर रही है। अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है, इसको भी करेगी शायद। वाह यार क्या जुगाड़ है ये भाई, जबरदस्त बिल्कुल। ये देखो वाह, सारा क्लीन कर गई भाई। मैं तो बेसिकली पता क्या करती है, ये ना कन्वेयर बेल्ट है, ये आगे आती है और ये सारा उठाती। देखना कैसे उठाएगी, ये देखो ये नीचे आएगी और ये ऐसे 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 करके देखो कन्वेयर बेल्ट चली, एंड देन सारा कचरा उसकी तरफ आ गया। एंड पता नहीं कैसे करके इन लोगों ने वो कर दिया यार। तो गाइस निकल गया हूँ मैं बाहुबली हिल्स के लिए। बाहुबली हिल्स जहाँ से मैं हूँ वहाँ से है कोई अराउंड 11 किलोमीटर्स, आधा घंटे के ट्रैवल डिस्टेंस दिखा रहा है बाइक पे। तो मतलब मुझे लग रहा है कि 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 8 किलोमीटर ही है, वो भी सिटी पैलेस वाली रोड से। अगर आप सिटी पैलेस वाली रोड पे हो तो वहाँ से ही 8 किलोमीटर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप सोचो कि यार बाहुबली हिल्स छोड़ देते हैं यार दूर होगा, तो दूर नहीं है ना। 8 किलोमीटर 20-25 मिनट की बात है, देख के आ जाओ भाई। सुना है मैंने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन उदयपुर बाहुबली हिल्स, क्योंकि वहाँ नीचे एक बहुत ही प्यारी सी लेक है। ऑब्वियसली भाई लेक वेक वगैरह ये सब तो मैं देखता ही रहता हूँ, मनाली कश्मीर हर जगह। बट ऑब्वियसली राजस्थान में देखने का एक अलग ही मज़ा है, जहाँ पे पानी की कमी हो और वहाँ पे लेक हो और पहाड़ भी हो और हिमाचल वाली फीलिंग दे रहा हो तो बिल्कुल देखेंगे। ओ वाओ नाइस, जस्ट लाइक अ वाओ। और भाई ये ब्रिज तो मेरा फेवरेट बन गया, मैं बार बार इस ब्रिज को पार कर रहा हूँ बाइक से। यस ओके, उदयपुर सिटी के बीचों बीच भाई एकदम ही ना बहुत ही प्यारी सी सिटी है यार। बढ़िया पता ये ठीक लगा मेरे को, पुष्कर मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं उजड़ गया किसी ने, पुष्कर पूरा उजाड़ दिया। बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उदयपुर बहुत ही ज़्यादा सुंदर खूबसूरत हर तरीके से और एमिनिटीज़ के साथ भरा हुआ, लग्जरी ये वो दुनिया भर की जो जो आपको चाहिएगा सब कुछ आपको मिलेगा उदयपुर में ही। बीच बीच में मैप देख रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करो। और बाहुबली हिल्स पहुँचेंगे हम फटाफट, सो दैट बढ़िया से घूम सकें। और क्योंकि बारिश का मौसम भी है, आई डोंट वॉन्ट कि भाई ऐसा हो कि बारिश हमारे सर पर टल 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 करके गिर रही हो और पूरी बाहुबली हिल्स के ट्रिप की मेरी ऐसी की तैसी हो जाए। क्योंकि मैं कल स्पीड बोट करने जाऊँगा और कल मेरा और भी एक प्लान है बड़ा ही प्यारा सा, तो वो भी करूँगा। वो आप देख लेना, वो इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा आपको, यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम इज़ Yuk10, जाके ज़रूर देख लेना भाई। और आईडी भाई जो फॉलो नहीं कर रहे हैं यूट्यूब पे आ रहे हो और वहाँ नहीं जा रहे हो तो प्लीज़ वहाँ ज़रूर जाओ, वहाँ पे आपको एक्चुअली में दिखेगा कि भाई तुम्हारा भाई क्या कंटेंट शूट करता है और किस लेवल का।
क्योंकि ये तो ब्लॉग है, ब्लॉग में मैं अच्छा डालता हूँ, सिनेमैटिक भी डालता हूँ, सब कुछ डालता हूँ, बट इंस्टाग्राम देखो जाके एक बार। ओ भाई पूरा तालाब ही तालाब है भाई, रोड के बीच में तालाब है। ओ ये मोड़ ना दे बस भाई, बच्चों से इतना डर लगता है ना मेरे को भाई, अचानक से कहीं भी मोड़ सकते हैं। और उस सामने जहाँ पे वो देख रहे हो आप पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो लग रहा है वही है उधर बाहुबली हिल्स, आई थिंक सो। ओ खाई, ओ कितना सही लग रहा है वे, वाओ दैट इज सो वेरी ब्यूटीफुल यार, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है बस, वाओ जस्ट लाइक अ वाओ। यार क्या सीख लिया मैंने उस लड़की से, जस्ट लाइक अ वाओ। ओके ओके अभी ये है रास्ता, हाँ भाई यही है रास्ता, रास्ता ख़राब भी है भाई थोड़ा बहुत बीच बीच में, ऐसा नहीं कि बहुत प्यारा सा रास्ता है, बीच बीच में तालाब बने हुए हैं, ध्यान रख लेना उस चीज़ का कि ऐसा बताए उड़ते हुए आओ और बोलो बाहुबली हिल्स आई डोंट वांट यू, तो बाहुबली हिल्स का अलग ही डेडिकेटेड ब्लॉग बना दिया मैंने इसी वजह से। भाई 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 यहाँ तो कोई जिंदा आदमी नहीं दिख रहा, डरावनी सी लग रही यार रोड ये थोड़ी सी। ओके ओ भाई साहब गाय के सींग पड़े हैं भाई, भाई ये जगह सही जा रहा हूँ ना मैं, जगह तो ये सही दिखा रहा है वैसे तो मैप में, और दिखा भी जो पास ही रहा है RJ 27 दिखा भी, अब 4 किलोमीटर ही रहा है, आई होप यही हो भाई। इधर आ गई है वो लेक जैसी जहाँ से बाहुबली हिल्स लोग देखते हैं, और वो जो पॉइंट है जहाँ से बाहुबली हिल्स वाला, ये है वो लेक जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो लग रही है वैसे तो, हाँ भाई खूबसूरत ही है यार, एक सेकंड के लिए मेरी नज़र नहीं पड़ रही थी प्रॉपर, भाई सुंदर है यार ये तो, और एकदम ही पहाड़ों के बीच में है भाई, इट इज़ लुकिंग नाइस यार। और कितना रह गया, 2.9 किलोमीटर्स रह गया बाहुबली हिल पॉइंट, जहाँ से मतलब वो दिखता है ऊपर से ये पूरा दिखता है एरिया, और बहुत ही अमेजिंग दिखाई देता है, तो लोगों ने यहाँ पे गाड़ी रोक के फोटोग्राफी कर रहे हैं। भाई गुस्से में लड़की, चुड़ैल टाइप्स, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी को, आई एम सॉरी गाइस, चुड़ैल टाइप्स बट चुड़ैल टाइप्स 100%। ओके लेट्स गो भाई, ये लेक तो बहुत बड़ी है यार, मुझे नहीं पता था यहाँ इतनी सारी लेक्स हैं उदयपुर में, फतेह सागर और लेक पिचोला, अब ये पता नहीं कौन सी लेक है, शायद होगी कोई लेक यार, नाम नहीं पता है मुझे, सर्च करके बताऊंगा तुम्हें कौन सी लेक है, बस बाहुबली ये पता था कि बाहुबली हिल बहुत अच्छी पॉइंट है जाने के लिए घूमने के लिए, तो वहाँ चले जाओ, तो बाहुबली हिल हम चले गए हैं, वहाँ पर लोग वहाँ लेक के पास जाके मज़े कर रहे हैं, लौटते हुए हम भी चले जाएंगे भाई। और भाई आज स्पीड बोट करना है भाई, स्पीड बोट, स्पीड बोट के बिना नहीं जा रहा मैं यहाँ से। ओके दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, नाइस, अच्छा लग रहा है भाई, ग्रीनरी बहुत प्यारी लग रही है, और रोड भी काफ़ी अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, बीच में थोड़ा थोड़ा ऑफ रोड था बट यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे लोग भाई इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ग्रुप मज़े से लेक के किनारे बैठ के। बट यार थोड़ा कूड़ा कम फैलाया जाए ना इधर तो ज़्यादा अच्छा हो, काफ़ी ज़्यादा गार्बेज फैला हुआ है, या फिर गवर्नमेंट इसको रेगुलर, जैसे लाइक पिचोला में क्लीनिंग चल रही थी ना जैसा मैंने आपको ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में दिखाया था भाई, वैसी ही क्लीनिंग इधर भी हो ना तो मज़ा ही आ जाए भाई, क्योंकि जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जगह में कोई कमी नहीं है, और ये तो प्रॉपर किला भी है यार यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बाइक लगाओ और ये देखो, ये ढूंढ, ये घूमो इधर किला बढ़िया सा। ओ भाई नाइस यार, इट इज़ सो नाइस, ये तो कितना खूबसूरत लग रहा है यार, वाओ जस्ट लाइक अ वाओ गाइस। यहाँ पे लोग अपनी पार्किंग में लगा रहे हैं और हम निकल रहे हैं, यह क्या डकोटान पार्क, अच्छा कोई नाम है भाई, मेरे को हिंदी नहीं पढ़नी आती, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा एंड इग्नोर भी कीजिएगा मेरी गंदी सी हिंदी को, डकोटान पार्क करके कोई जगह थी, और भाई बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया यार देख के ये लेक, अब ऊपर पहुँचेंगे फटाफट और फिर दिखाते हैं भाई ऊपर से क्या व्यू है, इट इज़ सो नाइस। तो गाइस ये रहा हमारा मैगी पॉइंट सॉर्ट ऑफ जगह,
जहाँ से बाइक वाइक लगा के आपको ऊपर जाना पड़ेगा, वो भी पैदल, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इसके आगे तो मुझे भी नहीं पता भाई कैसे होगा काम। मुझे लगा था कि भाई तो भाई यहाँ कुछ जब तक भानु वगैरह आते हैं तब तक यहाँ पे हम लोग भी कुछ खा लेते हैं और फिर यहाँ से पैदल ऊपर चले जाएंगे, और ये सामान तो ऑब्वियसली ही रखेंगे, भैया को 50 रुपये दे देंगे सामान का ख्याल रखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। चल ब्लॉग पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। दोपहर की गलियों में बहुत ज़्यादा सही लग रहा है भाई, व्यू मज़ा आ गया देख के। एंड यहाँ से रेडी हूँगा मैं और यहाँ से निकल रहा हूँ एक जगह बहुत अच्छी, वो भी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखी जाएगी ऑब्वियसली। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दो। टाटा बाय।